देश भर में आज से घरेलू हवाई सेवाएं शुरू हो गई। केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल के दौरान कानपुर एयरपोर्ट पर भी इसके लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। दरअसल दिल्ली से कानपुर आ रही पहली फ्लाइट तकनीकी प्रॉब्लम के कारण लगभग 2 घंटे लेट होने से 3 बजे लैंड कर पाई। वहीं फ्लाइट आने के समय पर डीएम और डीआईजी ने एयरपोर्ट पर अन्य अधिकारियों के साथ पहुंचे और निरीक्षण किया। इसका जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जो सरकार के दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, कानपुर जिला प्रशासन द्वारा जो भी यात्री आ रहे हैं इस समय, उनके क्वारंटाइन करने की पूरी प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवस्था की गई है और इनका स्क्रीनिंग करने के बाद जो भी सिम्टोमेटिक पाए जाएंगे उनको हम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराएंगे, लेकिन जो सिम्टोमेटिक हैं उनको सघन निगरानी में उन्हें होम क्वारंटाइन कराया जाएगा। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो कराते हुए उनकी निगरानी की जाएगी और 7 दिन के बाद लगभग उनका फिर से जो है एक सैंपल उनका रैंडम स्क्रीनिंग 7 दिन बाद इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके 7 दिन बाद दोबारा एक हमारी सर्विलेंस की टीम जाएगी, मेडिकल की टीम जाएगी, उनको चेक करते रहेंगे और होम क्वारंटाइन में हम इंश्योर करेंगे कि एक्टिव सर्विलेंस रहे उनका, लोग देखते रहें कि उन पर कोई सिम्टोमेटिक कोई चीज़ आ रही है क्या, कोई लक्षण ऐसे आ रहे हैं कि कोविड को कन्फर्म करते हैं। क्योंकि सब चीज़ के साथ जो आने वाले हैं उनको भी हम लोग स्वस्थ रखेंगे और उनके माध्यम से हमारे यहाँ पर जो निवासी हैं वो असुरक्षित ना हो, संक्रमित ना हो, उसका भी हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है।